रीहा मेरी जान यहाँ तक लक्स की लपटें आ रही हैं ट्रू मॉडल जिस प्रोडक्ट को की पब्लिसिटी करती हो उसको इस्तेमाल भी करती हो वॉट ऑनेस्टी अच्छा ऑनेस्टी से मुझे याद आया ये बताओ कि आजकल क्या हो रहा है क्या कर रही हो किस चीज़ में मसरूफ़ हो आजकल आजकल तो सिर्फ लक्स स्टाइल अवॉर्ड्स हो रहे हैं <laughs> उसमें और बच्चों में बेसिकली दैट्स इट दैट्स इट आई कॉन्ट डू एनी थिंग एल्स वन आई एम डूइंग दिस प्रोग्राम और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा क्योंकि 24 घंटे फ़ोन बज रहा होता है और लोग बात करना चाह रहे होते हैं फ्री मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारी कोशिश क्या है ये कि इस साल लफ स्टाइल अवार्ड्स पिछले साल से बहुत बेहतर हों या ये कि इस साल इस साल जो लफ स्टाइल अवार्ड्स होंगे वो पिछले सालों के होने वाले लफ स्टाइल अवॉर्ड से कम कॉन्ट्रोवर्शल हों देखो मैं तो कहती हूँ कॉन्ट्रोवर्सी बहुत अच्छी होती है अब ये प्रोग्राम ही इतना कॉन्ट्रोवर्शल है देख लें और इसीलिए लोग देखते हैं सो आई थिंक कॉन्ट्रोवर्सी तो होती है अवार्ड शो के अंदर Um, if, हर साल हम लोग चाहते हैं कि इम्प्रूव होता जाए और ऑबियसली uh, पिछले साल से तो बहुत ही बेहतर करना है और बहुत पाकिस्तानी करना है सो आई एम वेरी एक्साइट अबाउट इट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इन फ्रीहा कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर लक्सटाइल अवॉर्ड्स का नाम आने वाला है और इसकी तीन वजूहत हैं एक ये कि द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शल अवॉर्ड्स अगर ऐसा होता है देख 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 था था तो फिर कोई हिस्सा ही नहीं ले रहा होता बट एवरी ईयर पीपल आर कमिंग एंड कॉलिंग मी एंड गोइंग क्रेजी एंड मैं क्या पहन रही हूँ और मैं किसके साथ प्रजेंट कर रही हूँ और आप मुझे अवार्ड दे रही हैं कि नहीं थिंग इज कि मैं किसी को अवार्ड नहीं देती

जीतना all all होता है किसी ने हारना होता है और जब हार जीत की बात होती है तो हमेशा कॉन्ट्रवर्सी होती है और हथियार डाल दिया आपको गलत इंफॉर्मेशन है एक नहीं थी दो थी oh, <laughs> मैंने उनकी तरह रिकॉर्ड नहीं तोड़े लिया <laughs> 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 द थिंगज़ कि मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ यू नो एक्चुअली आम ना यूज़ टू राइट दैट आर्टिकल इन फ्राइडे टाइम्स और उसके बाद uh, पंद्रह महीने तक मैंने भी वो वही आर्टिकल पकड़ा था और वो हम लोगों ने इसीलिए हम लोगों को दिया गया था क्योंकि हम काफ़ी बोल्ड हैं और हम जो है वो है और वही सामने और यू नो छुपाने वाली बातें जो हैं वो हमारे माशरे में ज़्यादा होती हैं yeah. इसको ना पता चले फ़ला को ना कहना ये ना कहना यू मेक योर मिस्टेक्स

वन इज़ नाइन एंड वन इज़ एट तुरहान मेरा बेटा नौ साल का है और परीशे uh, आठ साल की हैं uh, परीशे जो है बहुत मच्योर है शी इज़ लर्निंग कथक एंड सिंगिंग और वो जो है ही इज़ अ टिपिकल बॉय ही इज़ नॉट ही डजेंट वॉन्ट टू स्टडी उसको बस खेल कूद में लगना है और कुछ नहीं करना तो मैं उसके सारा वक्त पीछे भागती रहती हूँ और बस यही है और बहुत मज़े के हैं बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं माशा एंड हैप्पी आजकल शान कुछ भी नहीं करता तुमसे पूछे बगैर क्या घोल के, <laughs> के पिलाया था बस एक हिदायत दी थी कि वो खमाज का वीडियो कर लो उसने वो किया उसका यू नो आई थिंक ही वेरी हैप्पी कि उसकी वो जो इमेज आई है उसके जो जिस तरह वो आया तो उसके बाद ओवर एंड uh, you know, फ्रिया hmm. तुमने शान को तो काफी इंसान बना दिया hmm. बनाकर दिखाओ तो मानू चैलेंज है और ख़ास तौर पर फैशन सीन की अगर हम तरफ देखें तो दिस होल गोइंग ऑन बिटवीन लाहौर एंड कराची दैट आई थिंक वो बात आई थिंक वे योर फ्राम रियली जिस तरह उन्होंने कहा था अगर आप गाँव से हैं तो आपकी सोच डिफरेंट होती है और अभी भी कराची के लोग जो हैं थोड़े से स्नोविश हैं वे आम ऑल्सो फ्राम कराची बट माई फैमिलीज फ्राम पंजाब आई कैन से दिस दैट यू नो वो स्नॉबिश है वो समझते हैं कि उनमें ज़्यादा क्लास है और लाहौरी थोड़े से पेंडू हैं और अभी भी यू you नो know, इस, इस तरह की बातें होती हैं सो आई थिंक वो जब तक डिफ्रेंस नहीं हटेगा हालांकि आई थिंक लाहौर जो है फुल फोर्स एंड फुल मार्क्स दे आर मोर प्रोग्रेसिव राइट नाव दैन द कराची इंडस्ट्री कराची इंडस्ट्री क्योंकि वो समझती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है Hmm. हम बहुत आगे हैं hmm. हम बड़े हैं hmm. तो हमें यू नो कॉस्मोपॉलिटन है तो hmm. so, इन चीजों यही चीजें आपको दैट्स डाउनफॉल एनी मेरे ख्याल में एक चलकर खाना खाते हैं फ्रीहा इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन माई शोर थैंक यू